ब्रॉडरी डिस्ट्रिक्ट 3011 की एनुअल कॉन्क्लेव में रोटरी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर श्री अनूप मित्तल जी हमारे बीच में आए, बिहार विधानसभा के यशस्वी विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजय सिन्हा जी, रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2022-23 के अध्यक्ष अशोक कंटूर जी, जितेंद्र गुप्ता जी, महेश शिका जी, मुकेश अग्रवाल जी कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, रविंद्र गुगनानी जी, एन के मित्तल जी, मैं सभी रोटेरियन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मुझे आपके कार्यक्रम में आकर बहुत प्रसन्नता हुई कि किस तरीके से आप समाज सेवा के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं और आपके ये उल्लेखनीय काम, विभिन्न आयामों में किए गए काम निश्चित रूप से इस समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। मित्तल जी ने अभी पूरे वर्ष भर की कार्ययोजना बताई कि किस तरीके से हमारे क्लब, जो करीबन 1500 क्लब आपके अंतर्गत आते हैं, उसने किस तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सामाजिक आर्थिक बदलाव आए, लोगों के जीवन में समृद्धि खुशहाली आए, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक समग्र साक्षरता का अभियान पूरे देश में रोटेरियन ने चला रखा है, चिकित्सा का क्षेत्र, महिलाओं का स्वावलंबन करना हो, पर्यावरण, अन्य कई क्षेत्रों के अंदर रोटेरी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं और विशेष रूप से मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि इस रोटेरियन क्लब के अंदर अलग अलग क्षेत्र के लोग, प्रोफेशनल्स हो, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, व्यापारी इंडस्ट्रीज वाले, सोशल क्षेत्र में काम करने वाले, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो समाज से प्राप्त किया है वह समाज को समर्पित करके समाज के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति के जीवन के बदलाव के लिए आपके प्रयास सराहनीय है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आपके प्रयास जहां समाज में अभाव वंचित लोगों को संबल देते हैं, वहीं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाते हैं और इसलिए रोटरी क्लब पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी संस्था है जिसने पूरे विश्व को एक परिवार मानकर, वसुदेव कुटुंबम की भावना, सारा विश्व हमारा परिवार है और सारे विश्व के अंदर लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने हैं, इस लक्ष्य के साथ रोटरी इंटरनेशनल क्लब काम करता है
और हमें इसलिए भी गर्व है कि रोटरी इंटरनेशनल क्लब के गवर्नर भारत के हैं, शिखर मेहता जी हैं, जिन्होंने अपने प्रयासों से, अपने कामों से पूरे विश्व के अंदर भारत का गौरव सम्मान बढ़ाया है। साथियों, जब रोटरी कोई मिशन पर काम करता है तो उस मिशन को पूरा करता है। और मुझे याद है कि इस विश्व के अंदर पोलियो बीमारी से हमारे कई बच्चे बड़े बचपन से विकलांग हो जाते थे, और रोटरी ने एक लक्ष्य तय किया पूरे विश्व के अंदर कि हमें पोलियो समाप्त करना है। और इसी पोलियो को समाप्त करने के लिए एक लक्ष्य बनाकर एक सकारात्मक दिशा के अंदर पूरे विश्व के अंदर काम किया, और आज दुनिया के कई देशों से पोलियो बीमारी करीबन करीबन समाप्त होती जा रही है। इसका अगर श्रेय दें तो रोटरी इंटरनेशनल क्लब को दिया जा सकता है। आज पूरे विश्व में जिन चुनौतियों का मुकाबला सारी दुनिया कर रही है, भारत भी उन चुनौतियों से मुकाबला कर रहा है। लेकिन भारत के अंदर उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकार जहां अपना काम करती है, रोटरी क्लब जैसी संस्थाएं, उनकी फाउंडेशन उन चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए सामूहिकता के साथ काम कर रही है। और इसलिए जलवायु परिवर्तन का विषय हो, पर्यावरण संरक्षण का विषय हो, ग्लोबल वार्मिंग का विषय हो, गरीबी अशिक्षा का विषय हो, इन सारे विषयों पर रोटरी ने एक लक्ष्य बनाकर काम किया है। और मैं देख रहा हूं किस तरीके से सामूहिकता के साथ भारत ने हर चुनौती का मुकाबला किया है। कोविड वैश्विक महामारी के समय जब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के आर्थिक और सामाजिक ढांचा चरमरा गया था, लेकिन हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति ने, हमारे सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों से, सभी संस्थाओं से, सोसाइटी से, व्यक्तियों से, हमने इस कोविड महामारी का मुकाबला किया और दुनिया को एक दिशा दे दी कि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति सबके सहयोग और सबकी सेवा के लिए। और इसीलिए समाज ने जब कभी कोविड के समय जो परेशानियां देखी, कठिनाइयां देखी, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे गरीब वंचित व्यक्तियों की सहायता के लिए हो, उस समय समाज ने जिस तरीके से सामूहिकता का संकल्प के साथ सहयोग किया, उसमें मैं रोटेरियन को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मित्तल जी ने कहा कि मैंने कोरोना का कोरोना नहीं माना, मैंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर और लोगों को कहा कि ये वक्त है लोगों की जिंदगियों को बचाने का, और जिंदगियों को बचाने का दायित्व हमारा है। और आपने जिस तरीके से लोगों को प्रेरणा दी और लोग घर से निकलकर लोगों ने जिस तरीके की मदद की, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जिस तरीके से आपने सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर व्यापक परिवर्तन करने का काम किया, निश्चित रूप से आपके प्रयासों से एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मैंने अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने कई स्टालों को देखा किस तरीके से हर सेक्टर के अंदर, चाहे हम महिलाओं को स्वावलंबन का विषय हो, तो किस तरीके से आपने योजना बनाई है कि हम
बेटियों को पहले पढ़ाएंगे, फिर स्किल कराएंगे और फिर उसको रोजगार देंगे। ये एक मॉडल है। किस तरीके से आपने तय किया कि पूरे देश में समग्र साक्षरता के माध्यम से हम देश के अंदर अभियान चलाकर जिस तरीके से हमने पोलियो को पूरी दुनिया से समाप्त किया, आने वाले समय के अंदर समग्र साक्षरता के माध्यम से भारत का हर बच्चा पढ़े और शिक्षित और दीक्षित हो, ये लक्ष्य रोटरी ने तय किया है। निश्चित आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य आपके सामूहिक प्रयासों से सफलता प्राप्त करेंगे। और साथियों, ये भारत की संस्कृति और संस्कार ही है कि हमारी कोशिश होती है कि हम समाज के अंदर जो हाशिए पर हैं, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसके जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए हम अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपना व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, काम करते हैं और उस धन से जो धन अर्जित करते हैं, हमारे पूर्वजों ने यही संस्कृति और संस्कार बताए। चाहे राजाओं का राज हो, चाहे आजादी के बाद का समय हो, हमेशा समाज के अंदर सकारात्मक परिवर्तन जब भी आ सकता है, जब सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक सभी के सहयोग करने के संस्कार और संस्कृति हो। और ये रोटेरियन इस दिशा की ओर लोगों को प्रेरणा देती है। जब लोग आपके यहां आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपके कार्य को देखेंगे, तो उन्हें भी लगेगा कि समाज में अभी वंचित हैं, अभाव हैं, स्वभाव में अभी भी गरीब व्यक्ति है, उसके जीवन को बदलाव करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस समाज के कमाए हुए धन को इस समाज में समर्पित कर समाज के उस अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाऊंगा। ये संस्कृति और संस्कार रोटेरियन दुनिया को एक प्रेरणा देने का काम करते हैं। और इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम स्वयं तो काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के और लोगों को जोड़ने का काम करें। समाज के उन क्षेत्रों के अंदर जो लोग अभी समाज सेवा के लिए नहीं जुटे, उसके लिए आप प्रयास करते रहते हैं, आपके सदस्य बनाते रहते हैं, छोटे छोटे क्लब बनाते रहते हैं, ताकि उन लोगों को प्रेरणा दें। और विशेष रूप से आप नौजवानों के अंदर ये संस्कृति और संस्कार डाल रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर अगर हमें खुश रहना है तो दूसरी की खुशी, दूसरी की प्रसन्नता हमारी खुशी और प्रसन्नता है। ये संस्कृति हमने अगर नौजवानों के बीच में डाल दी तो एक सकारात्मक परिवर्तन इस भारत के अंदर हम ला सकते हैं। मैं साथियों, आप सबको आपके कामों के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किए। अब हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हमने आजादी के 75 वर्ष हम लोकतंत्र के मना रहे हैं, हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि यह वर्ष अमृत महोत्सव का वर्ष है और इस अमृत महोत्सव के वर्ष में हम लक्ष्य बनाकर चलें, हमारी कार्य योजना बनाकर चलें कि जब आजादी के 100 साल होंगे, जब आजादी का शताब्दी वर्ष होगा, तो उस शताब्दी वर्ष में मेरा भारत कैसा होगा। इन सपनों के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि रोटेरियन एक लंबी कार्य योजना बनाते हैं, लंबे समय की कार्य योजना बनाते हैं। इसलिए इन 25 वर्ष में आने वाले 25 वर्षों के अंदर देश के अंदर क्या क्या विषयों पर चुनौती है, किन किन समाज के अंदर उन चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए हमें व्यापक कार्य योजना बनानी, समाज के वो कौन से क्षेत्र हैं जो वंचित हैं, अभाव में रहते हैं, उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना है। अगर इस कार्य योजना के साथ हमने देश को एक दिशा दी कि 100 साल जब हमारे आजादी के होंगे तो हम समाज के उन तमाम वर्गों के अंदर जो देश के अंदर आज चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को मुकाबला भी करेंगे और उस देश के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। मुझे आशा है कि आपने इस लक्ष्य के साथ काम किया तो उस भारत के अंदर
एक नया सकारात में परिवर्तन लाएंगे। आज दुनिया के अंदर भारत तेजी से बढ़ता हुआ देश है। आज बदलते भारत के अंदर दुनिया के अंदर सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं, और इस समय हमारे नौजवानों की ताकत, उनकी ऊर्जावान शक्ति, उनकी तकनीकी, उनके नवाचार दुनिया के अंदर एक नया संदेश दे रहे हैं। और इसीलिए ये समय है कि दुनिया के अंदर बदलाव में भारत सबसे बदलता हुआ देश है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश के अंदर व्यापक बदलाव आ रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारा भी उस बदलाव में सामूहिकता के साथ, संकल्प के साथ सहयोग हो, ताकि आने वाले 100 साल के अंदर भारत के अंदर व्यापक बदलाव करें। इसी के साथ मैं आप सभी रोटेरियन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इस लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाब दे रहे, जिम्मेदारी रहे, जिसके माध्यम से शासन और प्रशासन की जवाबदेही बने। इसलिए एक लोकतंत्र की पहरी के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि समय समय पर हम जो चुने हमारे जनप्रतिनिधियों हैं, उनके साथ बैठें, उनके साथ विचार करें, और उनको समाज के अभावों, वंचित लोगों की समस्याओं से अवगत भी कराएं। और जब कानून बनता है, कानून बनते समय हम हमारे जनप्रतिनिधियों को व्यापक सुझाव भी दें, ताकि वो बनने वाला कानून व्यक्तियों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सके। इसलिए लोकतंत्र और लोकतंत्र के अलावा कोई विकल्प दुनिया में शासन पद्धति चलाने का नहीं है। इसलिए लोकतंत्र को सशक्त करना, मजबूत करना भी हमारी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक मतदाता के रूप में केवल मतदान करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र जीवंत रहे, सशक्त रहे, और लोकतंत्र संस्थाएं जनता और समाज के लिए, सामाजिक और जीवन में परिवर्तन करने के लिए काम करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपके ये सकारात्मक कार्य जल्दी ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।